हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमेंटम नेटल केयर। हाथ धोना हम सभी को पसंद है ना, और कोविड टाइम से हमने ये भी सीखा कि हाथ धोने की क्या इंपॉर्टेंस थी। हम अक्सर तरह तरह के सेंटेड, परफ्यूम्ड, ऑर्गेनिक, हैंडमेड, हम लिक्विड सोप्स भी यूज करते हैं, सोप बार्स भी यूज करते हैं। तो इसी से रिलेटेड आज मैं आपको कुछ नई चीज दिखाने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आज मैं बात करने वाला हूं इनकी, यस ये है सोप टैबलेट्स। इनके यूजेस कहां है, क्या बेनिफिट्स हैं, किस चीज के ये बने होते हैं और क्यों हमें यूज करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We're stealing at the gas station when the time was cold. In the kitchen, hot still trying to flip it off the stove. Rocking fake J's, praying that nobody know. तो ये है लेट्स बी स्क्वीकी क्लीन के सोप टैबलेट्स। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, बैंगलोर में बना हुआ है और इस पे पीछे इंस्ट्रक्शंस बड़े अच्छे लिखे हुए हैं और ये 36 मंथ्स तक इनकी शेल्फ लाइफ है। पैकेजिंग बहुत नीट एंड क्लीन है और ड्राई हैंड से हम लोग इसको आसानी से यूज कर सकते हैं और पॉकेट फ्रेंडली भी है। एंड व्हेन आई ओपन दिस, तो जब मैं इसे ओपन करता हूं तो बहुत अच्छी चीज लिखी है, टर्न ऑफ द टैप व्हाइल सोपिंग, राइट। और यहां से हम एक टैबलेट निकाल सकते हैं, राइट। और ये जो टैबलेट है, यू कैन वेल सी, ये कुछ ऐसा दिखता है, ये टैबलेट कुछ इस टाइप का है, यस ये है वो टैबलेट। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। और इनफैक्ट ये दो फ्लेवर्स में आता है, ग्रीन वाला जो है वो कोकोनट वैनिला है और जो ये पर्पल वाला है ये है स्वीट लैवेंडर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड फाइंड आउट कि इसके रिजल्ट हमें कैसे मिलते हैं और फाइनली हमें ये पता चल जाएगा कि ये वास्तव में हमें लेना भी चाहिए या सिर्फ एक हाइप है। सोप टैबलेट्स आर स्मॉल सॉलिड बार्स ऑफ सोप और ये पानी में ना जल्दी से डिजॉल्व हो जाते हैं। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, शिया बटर, इन सबसे बने होते हैं एंड दे आर सेंटेड विद एसेंशियल ऑयल्स। तो कई डिफरेंट शेप्स और साइजेस में ये आते हैं, लेकिन हमारे पास जो स्क्वीकी क्लीन के ये सोप टैबलेट्स हैं, ये छोटे छोटे राउंड टैबलेट्स हैं। कुछ भी कहो, ये जो सोप टैबलेट्स हैं बहुत कमाल के। इनको हम दो तरीकों से यूज कर सकते हैं। तो पहले तरीके में यह है कि आपके जो हाथ है ना, एकदम सूखे होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए। अगर आप गीले हाथों से यूज करोगे तो पूरा जो बॉक्स है वो गिलगिला चिपचिपा हो जाएगा और खराब हो जाएगा। आपने कवर हटा के एक सोप टैबलेट या दो सोप टैबलेट अपने हाथों में लेकर बॉक्स को बंद कर देना है और डायरेक्ट आप पानी नहीं डालेंगे, एक या दो बूंद इन टैबलेट्स के ऊपर आपने पानी डालना है और फिर अपने हाथों को मलना है। 15 से 20 सेकंड के अंदर आपको एक खुशबू वाला माइल्ड सा झाग दिखेगा, राइट। इसमें बहुत ज्यादा झाग नहीं आता और यकीन मानिए ऐसा लगता है कि आप किसी क्रीम को यूज कर रहे हैं। और देखिए, आप सोप टैबलेट सिंक में गिर गया, दैट इज अ रेसिड्यू, वो वेस्ट है तो उसे गिरने दीजिए। बस इसके बाद आप अपने हाथ धो लीजिए और यकीन मानिए हाथ धोने के बाद भी हाथों में बहुत अच्छी खुशबू आती है, क्योंकि अब ये ऑर्गेनिक भी है, कोकोनट ऑयल, एसेंशियल ऑयल्स इसके मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये बच्चों में भी आसानी से आप यूज कर सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, अच्छा एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट आता है। सर्दियों में अक्सर हमारे हाथ रूखे पड़ जाते हैं एंड एज अ डेंटिस्ट मेरे हाथ भी रूखे पड़ जाते हैं। हम घरों में भी जब अपने कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, हाथ मुंह धोते हैं तो सूखा सूखा लगने लगता है, ड्राई हो जाती है स्किन, फिर हम जेल्स लोशंस लगाते हैं। सो आई एम श्योर कि ये सोप टैबलेट्स उन चीज को रिप्लेस आसानी से कर सकते हैं। दूसरे मेथड की अगर मैं बात करूं, उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये जो सोप टैबलेट्स हैं, इनमें लाई है। लाई क्या है? एक मेटल अल्कलाई हाइड्रोक्साइड है और ये बहुत सारी चीजों में पाया जाता है। लैब से अप्रूव्ड है, टेस्टेड है, सेफ है। बट इन केस अगर आपको कोई एलर्जी होती है ये सोप टैबलेट्स यूज करने के बाद, तो प्लीज आप इसको इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए और अपने डर्मेट और फिजिशियन को दिखा लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम कैसे दूसरे मेथड से इसका फायदा ले सकते हैं। एक आप बोल ले लीजिए और बोल में पानी भर लीजिए। स्टील का भी बोल ले सकते हैं, कांच का भी ले सकते हैं और उसमें 4 से 5 आप ये सोप टैबलेट्स डाल दीजिए। अब ये सोप टैबलेट्स अपने आप नहीं घुलती, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपको कम से कम 40 से 50 सेकंड, हो सकता है एक सवा मिनट भी लग जाए, आपको बहुत विग्रस तरीके से घुमाना है। जब तक नहीं घुमाएंगे तब तक आपको इसमें झाग नहीं मिलेगा। फिर क्या, आप देखेंगे धीरे धीरे घुमाने के बाद इसमें झाग सा बन जाएगा, क्रीमी सोल्यूशन सा बन जाएगा और उसके बाद आप अपने बर्तन इससे धो सकते हैं। आप ब्रश में लगा के, जैसे हम प्रिल यूज करते हैं या कोई डिटर्जेंट यूज करते हैं, तो आप उसको रिप्लेस करके आप ये भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत फायदेमंद इसकी एप्लीकेशन है और फायदा यही है कि हाथ इससे खराब नहीं होते,
हाथों में जो भी दिक्कत आती है फटने की, रूखेपन की, वो सब इससे दिक्कतें नहीं आती, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा ये उपयोगी है। इन बॉकेट सोप्स के मुझे बहुत सारे फायदे लगे, तो चलिए बारी बारी जानते हैं कि कौन से ऐसे फायदे हैं जिनसे हम इनका भरपूर मजा ले सकते हैं। तो मुझे सबसे बड़ा फायदा इनका ये लगा कि ये बहुत छोटे साइज के हैं, पॉकेट फ्रेंडली हैं, आसानी से किसी भी जेब में आ सकते हैं, चाहे वो फीमेल्स का पर्स हो, चाहे उनकी पॉकेट्स हो, हम मेन के शर्ट्स की पॉकेट हो, ट्राउजर हो, शॉर्ट्स हो, छोटा बड़ा बैग हो, कहीं भी, इन शॉर्ट किसी भी कंडीशन में हम इनको कहीं भी स्लिप कर देते हैं, कर सकते हैं रादर, तो ज्यादा जगह घेरते नहीं है। तो ये मुझे इनका एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज लगा, क्योंकि हम इन्हें आसानी से कैरी कर सकते हैं, दे आर वेरी मच पोर्टेबल। एज अ डेंटिस्ट मैं भी इन्हें रेगुलरली यूज करता हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है। मतलब साफ सफाई में कोई दिक्कत नहीं आती, झंझट नहीं है, बहुत मैसी सा आपका बेसन नहीं होता, तो होता क्या है कि एक जो सिंगल आपकी जो टैबलेट है वो सफिशिएंट रहती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हाथ रूखे नहीं रहते। जैसा मैंने आपको बताया मुझे लेटेक्स एलर्जी है, तो मुझे हाथ धोने के बाद भी बहुत ज़्यादा मेरा हाथ सूखे होते हैं, बट इन टैबलेट्स के संग मुझे कोई सूखापन बिल्कुल भी नहीं लगा। और कमाल की बात यह है कि जो सोप टैबलेट बेसिन में गिर जाती है यूज करने के बाद, तो कोई क्लॉगिंग की समस्या भी नहीं आती। सेल्फ डिजॉल्विंग टैबलेट्स हैं, पानी में घुलकर अपने आप ड्रेन की साफ सफाई कर देती हैं। और ये भी एक बात मुझे अच्छी लगी कि इनमें कोई ये टैबलेट्स कोई कलर नहीं छोड़ती, क्योंकि अगर कलर छोड़ती हैं तो हमारे यूजली जो वाइट बेसिन हैं वो खराब होने लगते हैं, बट इन टैबलेट्स के साथ मुझे ये भी कोई दिक्कत नहीं आई। एज अ ट्रैवलिंग कंपेनियन भी ये बहुत अच्छे से काम करेंगे। आप चाहे बाइकर हो, राइडर हो, आप लॉन्ग राइड्स पे, ड्राइव्स पे, माउंटेनियरिंग करते हो, आप कहीं भी एक्सपर्शन पे जाते हैं, आपको लगता है कि हमारे बैग में बहुत सारा सामान ऑलरेडी है लोडेड, हमारा स्टफ पूरा पैक्ड है, तो आप ऐसे टाइम पर इन टैबलेट सोप्स को डेफिनेटली ले जा सकते हैं। ये पानी इनमें बहुत कम यूज होता है, सिंगल यूसेज है, तो एक बार आपने यूज किया और फिर फेंक दिया, तो कोई मेस की भी परेशानी नहीं है, डिस्पोज करना बहुत ईजी है। सो आई गेस इट इज अ मस्ट अ ट्रैवलिंग कंपेनियन, अ मस्ट ट्रैवलिंग कंपेनियन। इन टैबलेट सोप्स के साथ एक अच्छी और बात है, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हैं। कैसे हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली? क्योंकि ये प्योरली ऑर्गेनिक है, इनमें कोई केमिकल्स है ही नहीं, और ये हमारे एनवायरमेंट को क्लीन रखती हैं। सो एक पॉजिटिव पॉइंट इसका ये भी है। सो डेफिनेटली बात है कि हमें इन सब को यूज करना चाहिए, इससे हम अपना एनवायरमेंट भी क्लीन रख रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो भी कम है। दीज सोप्स आर वेरी मच सस्टेनेबल एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल लिक्विड सोप्स या सॉलिड बार सोप्स जो हम यूज करते हैं। सो ये भी बहुत अच्छी बात है। एंड कमिंग टू द प्राइस पॉइंट, इनका प्राइस पॉइंट इज अराउंड 299 रुपीज। 299 रुपीज में हमें दो बॉक्स मिलते हैं और हर एक बॉक्स में 30 टैबलेट्स आती हैं। सो आई गेस इट इज अ वेरी गुड, कन्वीनियंट, इजी, जस्टिफाइड प्रोडक्ट, ज्यादा महंगा नहीं है, नॉन मेसी है, स्पिल प्रूफ है, लीकेज की कोई समस्या नहीं है, बहुत ज्यादा गंदगी नहीं होती, और इतनी सारी चीजें हम घर में यूज करते हैं, कई बार हम रिफिल्स लाते हैं, लिक्विड सोप्स को बार बार भरते हैं, गंदगी बहुत ज्यादा होती है, टीडियस जॉब हो जाता है, हम लोग थक भी जाते हैं, राइट, और हमारे हाथ भी रूखे पड़ जाते हैं। अगर इन सभी फैक्टर्स को मैं ज्वाइन कर दूं, मिला दूं, तो एक छोटा सा क्यूट सा सोप टैबलेट का टैबलेट मिल जाएगा। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कीजिए। आपके कोई सवाल है तो हमें पूछ सकते हैं cementumdentalcare@gmail.com पर। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।